तो बच्चों को जब भी केक खाने का मन करे तो ये केक आप ज़रूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो यूवी को जब भी केक खाना होता है और मुझे बहुत काम रहता है तो इसी केक को मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये बस 10 मिनट में रेडी हो जाता है। सिंपल सा रेसिपी है, ईजी बन जाता, बहुत ही चॉकलेटी और डिलीशियस बनता है, और गर्म गर्म इस केक को खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो फटाफट से इस केक को हम कैसे रेडी कर सकते हैं, चलिए तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया 1/2 कप दही, घर का फ्रेश दही यूज़ किया है, साथ में उसमें ऐड किया है 2 TBSP ऑयल और 3 TBSP यहाँ पे मैंने ऐड किया है बटर, क्योंकि एगलेस है तो बटर इसमें ऐड ज़रूर करें, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। साथ में इसमें ऐड किया है मैंने पीसी हुई चीनी, 1/2 कप ऐड किया है इसमें, अगर आप कटोरी के नाप से बना रहे हैं तो 1/2 कटोरी इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं आप। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक चीनी अच्छे से न घुल जाए, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। पाउडर शुगर का यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने कप से मेजरमेंट बताया है, इसे आप कटोरी का नाप लेकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है मैदा 1 कप, साथ में कोको पाउडर ऐड किया है 2 TBSP, बेकिंग पाउडर ऐड किया है, बेकिंग सोडा ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है। सभी को डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें दूध वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतने ही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप और इसका एक बैटर रेडी कर लें। और बहुत ज़्यादा इसे ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी है आपको। इसे मैंने थोड़ा सा चोको चिप्स ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, डालने के बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो बस ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। इसे 1/2 पाउंड का मैंने केक टिन में ट्रांसफ़र किया है, छोटा केक है तो ईजिली जल्दी बेक हो जाता है। ऊपर में मैंने यहाँ पे चोको चिप्स भी ऐड किया है, और इसे बेक करने के लिए प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 8 से 10 मिनट के लिए आपको रखना है। तो 10 मिनट ये परफेक्ट केक हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं, और ये गर्म है अभी। तो मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ईजी फ्रेंड्स, ये केक बनाना बहुत ही डिलीशियस लगता है, तो इसे बनाकर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और गर्म गर्म इस केक को खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। इसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट भी आप डालकर इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस केक को मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, तो आप भी बना के इसे एंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।